हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी पार्ट वन, जिसमें हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो कवर कराए थे, तो ये उसका पार्ट टू है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स के लिए जो अभी हाल ही में होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा से ये हुआ है कि एनटीपीसी में एक क्वेश्चन से रिलेटेड ही उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस को बारीकी से समझाऊंगा। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये है कि चाणक्या का एक अन्य नाम क्या है। चाणक्या का एक अन्य नाम क्या है? पहले की वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि चाणक्या के तीन नाम थे। पहला तो चाणक्या था, दूसरा नाम था इसका कौटिल्या, ठीक है ना, और तीसरा नाम था इसका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अब एक चीज और याद रखनी है आपको कि चाणक्य जो थे वो किसके मंत्री थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मंत्री थे और चाणक्य ने एक किताब भी लिखी थी। इनकी किताब का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र इनकी रचना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल विकग्नि मित्रम किसने लिखी है? ये एक पुस्तक है और इसकी रचना जो है वो किसने की है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालिदास, ठीक है ना। कालिदास ने माल विकग्नि मित्रम की रचना की है और इसमें मैं बता दूं इसमें किसका वर्णन है, तो मैं बता दूं एक एक महिला थी जिसका नाम था माल विका, ठीक है ना, और एक पुरुष थे जिनका नाम था अग्न अग्निमित्र अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र हैं पीयूष मित्र शंकु शुंक सॉरी पीयूष मित्र शुंग के जो हैं ये पुत्र हैं। इन दोनों की कहानियों कथा जो है, यानी कहानी जो है, इसी का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अग्निमित्र किसके पुत्र हैं, तो याद रखें पीयूष मित्र शुंग के, और माल विकग्नि मित्रम जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता जो जो है चिकित्सा की एक शाखा से संबंधित है, कौन सी शाखा से संबंधित है चरक संहिता? तो चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। आंसर जो है बी इसका सही होगा। और चरक संहिता किसने लिखी है, तो याद रखना चरक संहिता को जो लेखक हैं वो हैं चरक महर्षि। चरक चरक कौन थे? चरक कनिष्ठ एक शासक था, राजा था कुषाण वंश का। कनिष्ठ के दरबार के ये वैद्य थे चरक, ठीक है ना। इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी चरक संहिता, जिसमें किसका वर्णन है, तो आयुर्वेद का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है ना। चरक संहिता किसने लिखी है, तो चरक ने लिखी है। कहाँ रहते थे? कनिष्ठ के दरबार में रहते थे, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई है? तो देखें, अजंता की गुफा, एलोरो की गुफा, कान्हेरी गुफाएं, या फिर खंडगिरी की गुफाएं। तो याद रखना खंडगिरी ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, ठीक है ना, कि खंडगिरी की जो गुफाएं हैं उसकी स्थापना की गई थी, मतलब खुदाई की गई थी राजा खारवेल के द्वारा। और राजा खारवेल मतलब किस वंश से संबंधित हैं, तो ये भी आप याद रखें, राजा खारवेल का संबंध है कनिंग है, एक जगह है उड़ीसा में कनिंग, वहाँ का एक वंश था चेदी वंश, ठीक है ना, चेदी वंश इस वंश से संबंधित थे राजा खारवेल, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो खुदाई करवाई थी खंडगिरी गुफाओं की। ये क्वेश्चन पूछा गया है सन 2016 में, सेकंड थर्ड सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो याद रखना कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे श्री गुप्त, ठीक है ना, कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो श्रीगुप्त जो थे इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे, पहले नंबर पे ये थे, दूसरे पे आए थे घटुरकच, ठीक है ना, तीसरे पे राजा बने थे चंद्रगुप्त
प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में याद रखें कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था इस वंश का पहला पहला महान शासक था, पहला महान शासक था। और चंद्रगुप्त को एक उपाधि भी दी गई थी महाराज अधिराज की, ठीक है ना। चंद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, महाराज अधिराज, ठीक है ना। ये इनको उपाधि दी गई थी महाराज अधिराज की। गुप्त वंश में जो दूसरा सबसे महान शासक था वो था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बता दूं, समुद्रगुप्त जो थे वो भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इन्हें वीणा वादक भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीणा बजाया करते थे, ठीक है ना। ये सब बातें भी आपको याद रखनी है, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, ठीक है ना। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो आंसर हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो था उस वो भारत में आया था जब गुप्त काल का शासन चल रहा था, ठीक है ना। और ये चीन का था, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके दरबार में भारत में आया था, तो फाहियान आया था। हालांकि गुप्त वंश का उस समय शासन चल रहा था, तो उस समय राजा थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत में आया था। और अगर आपसे सन पूछता है, समय पूछता है, काल पूछता है, तो याद रखें 399 ईसा से लेकर 414, 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये भारत की एक खास बात बताता है, ये कहता है कि फायान अपनी पुस्तक में कि भारत के लोग क्रय विक्रय जो होता था, यानी कि वस्तुओं का लेन देन जो होता था क्रय विक्रय, वो कौड़ियों में करते थे, ठीक है ना। किसमें करते थे, कौड़ियों में करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा यात्री था जिसने भारत में विनिमय के लिए, यानी कि वस्तुओं के लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किए जाने की चर्चा की है अपनी पुस्तक में, तो वो थे फाहियान, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, बृहत संहिता और संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो आपने लगभग नहीं देखे होंगे अपनी किताबों में, ठीक है ना। जहाँ तक लोग करते क्या है कि वो लूसेंट 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 ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि भाई लूसेंट से ही सारे क्वेश्चन जो हैं बनाए जाते थे, तो अब क्या है कि जो आयोग है, जो RRB है, उसने लूसेंट से बहुत कम जो है क्वेश्चन लेने अब जो है अब बंदी कर दिए लगभग, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा, अब ये लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा कि इसके लेखक कौन है इन तीनों की किताबों के। तो इसका जो आंसर है वो है बारहा मिहिर, ठीक है ना। बारहा मिहिर जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। और ये तीनों की तीनों जो किताबें हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। अब यहाँ पे शब्दकोश बताना है, सबसे प्राचीन जो है शब्दकोश संस्कृत का कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर सी, अमरकोश। अमरकोश जो है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ये संस्कृत का प्राचीनतम और लोकप्रिय कोश है, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। मैथ के स्टूडेंट है अगर आप, तो आप बहुत इजीली आंसर लगा सकते हैं, यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति, ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि ज्यामिति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना ज्यामिति शब्द का अर्थ होता है जमीन नापना, जमीन नापना, जमीन नापना अर्थ होता है ज्यामिति का, ठीक है ना। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था,
किस चालुक्य के राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। 2016 का क्वेश्चन है और तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है चालुक्य राजा को, चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा को पराजित किया था। तो चालुक्य कौन सा राजा था, तो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजा सॉरी किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ दे रखा है, आपको बताना है कौन से राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, कश्मीर के राजा का वर्णन किया गया है राज तरंगिणी में। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि राज तरंगिणी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो याद रखें, कलहण ने लिखी है, कलहण ने इस पुस्तक को लिखा है। और इसमें किसका वर्णन है, तो एक चीज आप याद रखें, सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है इसमें, कश्मीर का इतिहास बताया गया है इस पुस्तक में, ठीक है ना, राज तरंगिणी में, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछता है कि किस राजा के बारे में लिखा गया है इसमें, तो राजा का अगर पूछ ले तो याद रखना कश्मीर के राजा हुआ करते थे तो उस समय जयसिंह, जयसिंह राजा जयसिंह की कहानी जो है वो इसमें लिखी गई है पूरी की पूरी, ठीक है ना। और इसमें श्लोकों की संख्या है कुल 8,000, 8,000 श्लोक इसमें है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैस माना जाता है, ठीक है ना। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान। 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, उड़ीसा, उड़ीसा को माना जाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संग दिलीप, ठीक है ना, संग दिलीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है वो राजा संग दिलीप, ठीक है ना, संग दिलीप, नहीं, संग लिदिप लिखा हुआ, ठीक है ना, संग लिदिप द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं, ठीक है ना। साहित्य के जो प्रख्यात समर्थक थे राजा भोज, उनका संबंध जो है वो है परमार वंश से, ठीक है ना, परमार वंश से, ठीक है ना, परमार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो दक्षिण भारत से संबंधित जो है वो पाल वंश, पाल वंश जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, जबकि सातवाहन, पांडे, पल्लव वंश जो हैं ये सारे के सारे दक्षिण भारत से संबंधित हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, राजस्थान, मणिपुर, असम और केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असम, ठीक है ना, असम राज्य में जो है वो स्थित है। सो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 था इसका। अब पार्ट 3 भी मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर के लगभग 71 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं उसमें से मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस निकाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।